हाँ भाई दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन से पता लग ही गया होगा कि मैंने रिसेंटली मैकबुक 13 खरीदा है। पर हुआ क्या ये मैं आगे विस्तार में बताता हूँ। अब बात क्या है यार, कहानी ना शुरू हुई 2-3 महीने पहले कि मैकबुक लेना है भाई। और मैकबुक के साथ सीन ये होता है कि नॉर्मल लैपटॉप तो तुम जाओ उठा लो 50-60-70 हज़ार का होगा, मैकबुक प्रो की बात करो तो 1 लाख के ऊपर आता है। और भाई सही बता रहा हूँ, 1 लाख तो मतलब सोचना पड़ता है खरीदने से पहले। मन बना लिया कि भाई मैकबुक लेंगे, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, मेरे पे 10 साल पुराना अभी लैपटॉप है एक डेल का, तो वो तो जवाब दे जाता है भाई। उसमें आप आईफोन की वीडियो डालो और वो हाथ जोड़ लेते कि भाई अब तो रिटायर कर दे दोस्त। तो फिर सीन ये हुआ, ठीक है चलो भाई लैपटॉप लेते हैं। अब दोस्तों से बातचीत चल रही है, यूट्यूब पर फुल सारी वीडियोस सेव डाली जितनी भी थी, बैठे दोस्तों से बात करी कि भाई अब कौन सा ले लैपटॉप। तो दोस्तों ने कहा कि भाई बेस मॉडल ले ले, और बहुत दोस्तों से पूछा भाई। फिर क्या है, मैं जब चीज़ें लेता हूँ तो सीन ये रहता है कि या तो अच्छा लो या तो मत लो। तो ये हुआ कि 4 थंडरबोल्ट वाला मॉडल लेते हैं और ओके होगा, बढ़िया होगा। तो गए लेके आए और ऐसा लैपटॉप तो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लैपटॉप है, उसका ऊपर से देखो बहुत सुंदर लगता है, साइड्स बहुत पतले हैं, और भाई ओपन करके तो मतलब दिल खुश हो जाता है। पहला मैकबुक है मेरा, तो बहुत अच्छा इंटरफेस है, और अगर आप मीडिया कंजम्पशन करते हो तो आपके लिए बहुत सही सिस्टम है ये। पर अब क्या हुआ कि मैं फाइनल कट प्रो पर एडिटिंग कर रहा हूँ, तो यूट्यूब पर वीडियोज़ देखी थी कि मस्त होती हैं एडिटिंग, कोई दिक्कत नहीं आती है, और अगर आपकी छोटी फाइल्स हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। मैं आईफोन से रिकॉर्डिंग कर रहा था 4K, और फिर क्या हुआ कि मैं उसमें कर रहा हूँ तो वो अटक जा रहा है, मुझे उसको क्लोज़ करके करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता था इस तरीके से। ठीक है, अब भाई ये हुआ कि देखो यहाँ ये सीन है कि 14 दिन तक आपको लैपटॉप पसंद ना आया तो या तो आप फुल रिफंड ले लो या उसको एक्सचेंज कर लो। तो सीन ये हुआ कि पहले तो बड़ा डर लग रहा था भाई क्या करें, इतना महंगा लैपटॉप ले लिया और सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही है, और काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, और नेक्स्ट 16 इंच के लिए मुझे अराउंड $50,000 देना पड़ता है। तो बहुत कुछ सोचा वोचा, फिर मन बनाया कि ले लेते हैं, तो चलो लेके आते हैं।
दो दिन हो चुके हैं मुझे MacBook 16 इंच यूज़ करते हुए। इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो ये भी MacBook 16 पे ही रिकॉर्ड हुआ था। अब मुझे लगता है मैं अब एक बहुत अच्छी जगह पे हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं आपको 15 ऐसा होगा बता रहा हूँ। मैंने 15 एक हफ़्ते यूज़ किया अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और मैं बहुत मीडियम स्टेज में हूँ, ना मैं बहुत अच्छा हूँ ना मैं बहुत बेकार हूँ। हाँ, अभी मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है तो मैं बहुत उस हिसाब से बिगनर हूँ, पर क्या है मैंने दोनों मशीन्स पर्सनली यूज़ करी हैं, और 15 का भी मैंने बेसलाइन मॉडल यूज़ किया, जो स्टैंडर्ड मॉडल आता है जो इस साल लॉन्च हुआ है, जिसमें अलग से स्पेस बार है। तो अगर आपने लास्ट आप बिल्कुल बेसिक मॉडल में चले जाते हो, उसमें एस्केप की अलग से नहीं आती है। खैर, वो सब चीज़ें अलग चीज़ें हैं, और आगे का रिव्यू सुनते हुए आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये दोनों लैपटॉप में मैंने जो रिकॉर्डिंग्स यूज़ करी हैं वो आईफोन से यूज़ करता हूँ मैं बहुत कोई हाई एंड कैमरा यूज़ नहीं करता हूँ। आईफोन की 4K क्वालिटी है, और सिमिलर मैंने ग्राफिक्स और साउंड इफेक्ट्स दोनों प्रोजेक्ट में यूज़ किए थे, जो मैं 15 इंच में एडिट कर रहा था प्रोजेक्ट, और जो मैं 13 इंच में एडिट कर रहा था, और जो मैं 16 इंच में मैंने प्रोजेक्ट एडिट किया है इसका। तो अगर आप अगर आप ऐसे बंदे जिसको थोड़ा बहुत एडिट करना है, आपको फाइनल कट की ज़रूरत नहीं है, आप आई मूवीज़ तक रहना चाहते हो, और 4K या फिर 4K थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4K में भी आपको बस कट करके इमेजेस जोड़नी और एक बैकग्राउंड डाल देना है, तो आई थिंक वो काम कर जाएगा आपका जो 15 इंच मॉडल है। अगर आप थोड़े से ग्राफिक्स डालोगे या साउंड इफेक्ट्स डालोगे तो वो लैग करने लगेगा, ये 4K की बात है। अगर आप फुल HD यूज़ करो, फुल HD मैंने यूज़ किया, अगर वीडियोज़ बहुत लंबी नहीं हो रही हैं, 6-7 मिनट की हैं, और फुल HD वीडियोज़ हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन वीडियोज़ नहीं हैं, तो भी इट विल वर्क ओके। जैसे ही आपका बेसिकली फाइल साइज़ बढ़ जाता है तब दिक्कत देने लगेगा 15 इंच। अगर आपका कोई HD क्वालिटी है बट दैट इज़ जो कि बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है वीडियो, या जिस वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा है वो यूज़ करो, तो दैट्स गोइंग टू लैग, पर काम चल जाएगा किसी तरह, तो इतना बुरा भी नहीं है। पर अगर आप स्पेसिफिक वीडियो एडिटिंग के लिए ले रहे हो दोस्त, तो उस रेंज में या तो आपको मैं कहूँगा, अगर आप आप ऐसे बंदे हो जिनको एक ही लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हो, तो या तो आप 16 इंच पे अपग्रेड कर जाओ, या फिर आप विंडोज़ की तरफ चले जाओ, जहाँ पैसे सेव भी कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो, एडोब के जो सॉफ्टवेयर हैं, इक्विवेलेंट गुड हैं, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। तो दो ऑप्शन है, 15 इंच आपको बहुत वर्सेटाइल है, मैक एक्सपीरियंस देता है, सब कुछ देता है, एंड अगर आप मैं कहूँगा फुल HD रिकॉर्डिंग कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं डालना चाहते हो, बेसिक वीडियो बनाना चाहते हो, तो इट विल बी गुड इनफ। हाँ, आपकी वीडियोज़ अगर 4K हैं या 4K में रिकॉर्ड करना चाहते हो और उसको पोस्ट करना चाहते हो, फिर उसमें इफेक्ट्स और वीडियो इफेक्ट्स, टेक्स्ट, एनिमेशन, ये सब डालोगे, तो उसके लिए एक आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है कई बार, क्योंकि ये सब चीज़ें फाइनल, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखो फाइनल इसकी एप्पल की, तो आपको उसमें वो बताते हैं कि कुछ फीचर्स हैं फाइनल कट प्रो में जो कि 1 GB ऑफ ग्राफिक मेमोरी हो तो अच्छा है उसके लिए। तो उस टाइम आपका अगर आप 16 इंच होगा तो आपका एक्सपीरियंस वे स्मूदर होगा, 4K की जो बफरिंग होती है दैट इज़ गोइंग टू बी स्मूदर। तो पर बात एट दी एंड वो आ जाता है कि 16 इंच थोड़ा महंगा है, तो अगर आपका बजट है और आपको ऐसा है कि एक ही लैपटॉप लेना है तो आप 16 इंच लो, ठीक है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, आपको मैक लेना है, तो मैं कहूँगा 15 इंच का जो नया वाला मॉडल है 4 थंडरबोल्ट पोर्ट वाले, वो मॉडल लीजिए, बेस मॉडल, क्योंकि लास्ट ईयर का है, प्लस उसमें हीटिंग में भी डिफरेंस आएगा, अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो तो वो जल्दी हीटअप होगा। मेरा ये वाला भी मॉडल के फैंस क्लिक इन कर जाते थे जब मैं रेंडर करता था वीडियोस, तो उसका बेसिक वाला ले लो जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है, क्योंकि उससे ऊपर वाले में बस आपको हार्ड डिस्क ज़्यादा मिलती है, तो आप बस जो नया मॉडल है 4 थंडरबोल्ट पोर्ट के साथ वो वाला मॉडल ले सकते हैं। पर उसमें आप मैं कहूँगा फुल HD तक ही चीज़ें एडिट करें, और कम से कम चीज़ें एडिट करें ताकि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। एक तरीका मैं जो कर रहा था उसमें आप भी कर सकते हैं कि वीडियोस छोटी बना दीजिए, इंस्टेड ऑफ पूरा 10 मिनट का प्रोजेक्ट आप 3-3, 4-4 मिनट की वीडियोस उसमें एडिट करिए और फिर एंड में क्लब कर दो, तो दैट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बेटर, एंड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं कहूँगा, थोड़ा सा एफर्ट बढ़ जाता है बहुत ज़रा सा, पर आपका काम हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये मेरा इन शॉर्ट रिव्यू है अबाउट दिस प्रोडक्ट। दोनों ही बहुत अच्छे लैपटॉप हैं, इट्स जस्ट दैट आप क्या चाहते हो इन लैपटॉप से उस पर बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो दोस्त प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इट्स गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टू माई चैनल, और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं।